गाइस कि आप लोग भी जब कोई ड्रेस पहनते हैं तो आपका बैक लुक बहुत फ्लैटन आता है या फिर बहुत हेवी आता है। इसका सबसे बड़ा रीजन क्या होता है, हम अपने पूरे बॉडी पार्ट पे तो काम करते हैं लेकिन अपने बट्स पर यानी हिप पर या बट साइज पर बिल्कुल भी काम नहीं करते। या तो आपने देखा होगा बहुत लोगों का बिल्कुल फ्लैटन होता है या बहुत ज्यादा हेवी होता है। तो ना ही बहुत ज्यादा हेवी लुक अच्छा लगता है और ना ही बिल्कुल फ्लैटन। तो आज मैं आपको कुछ ऐसी एक्सरसाइज बताऊंगी जो आपके कॉन्फिडेंस को बिल्डअप करेंगी, जिससे आप कोई भी ड्रेस पहनेंगे तो आपका बैक लुक बहुत ही अच्छा आएगा, जिससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आप पे पहनी हुई ड्रेस बहुत ज्यादा सूट करेगी। लेकिन आपको इसके लिए फॉलो करनी होगी बहुत ही सिंपल एक्सरसाइजेस। एक्सरसाइजेस जितनी सिंपल है उतनी ही ज्यादा इफेक्टिव भी है। और ये एक्सरसाइज जो होती है एक मेडिसिन की तरह काम करती है। आपको स्लो प्रोसेस होता है लेकिन बहुत अच्छा इफेक्ट होता है। तो अगर आप इसको रेगुलर अपनी जिंदगी में शामिल करेंगे तो डेफिनेटली आप भी अपने बट साइज को टोन अप कर पाएंगे। अगर बल्किनेस है तो वो कम हो जाएगा और अगर आपका बट बिल्कुल फ्लैटन है तो वो प्रॉपर शेप में आ जाएगा। तो चलिए मेरे साथ करिए ये 3 एक्सरसाइजेस और उसके बाद जो आपके ऊपर रिजल्ट आएगा जरूर बताइएगा। फर्स्ट एक्सरसाइज करने के लिए आपको इस तरीके से अपने हैंड प्लेस करने हैं, अपनी बॉडी की पोजीशन ये रखनी है, अपनी एक लेग को आगे लेके जाना है, देन बैक। करा है 10 रैप्स करे हैं ईच लेग, आपको भी ऐसा ही करना है। 10 के करने हैं आपको 4 सेट्स यानी 40 आपको इस साइड करने हैं, 40 ही अदर लेग पे करने हैं। ये आपके बहुत अच्छे से बट साइज को इंक्रीज करेगी और अगर वहाँ का जो फैट है उसको कम करेगी। तो चलिए अब बढ़ते हैं इसी के साथ सेकंड एक्सरसाइज पर। सेकंड एक्सरसाइज के लिए भी सेम आपको यही पोजीशन प्लेस करनी है। इसी तरीके से अपने हिप को बैक करिए, अपने हैंड्स को यहाँ पे सपोर्ट दीजिए, अपनी कमर को स्ट्रेट करिए। अब हमें अपनी टांग को साइड पे लेके जाना है, सेम करेक्ट पोजीशन फॉलो करिएगा। ये आपको करने हैं ईच लेग यानी एक लेग पे आपको करना है 10 टाइम्स और उसके करने हैं 4 सेट्स। ऐसे ही अदर लेग पे करना है और उसके भी करने हैं 4 सेट्स। अब 10 टाइम्स अदर लेग पर। यहां पर आपकी दूसरी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। अब बढ़ने वाले हैं अपनी थर्ड एक्सरसाइज पे जो बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है। अब हमें करना है कैट और काउ पोज। आपको अपनी बॉडी इस तरीके से रखनी है, हिप बाहर की साइड पे, हैंड्स आपको यहीं प्लेस करने हैं, नेक अंदर, पेट स्क्वीज, फिर आपको अपने पेट को अपनी बॉडी को इस तरीके से मूव करना है, देन ऐसे हाथ स्ट्रेट रहेंगे, फिर ऐसे। इसको हमें करना है 20 टाइम्स, 20 के करने हैं 4 सेट यानी 20 रैप्स करने हैं और उसके 4 सेट करने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपके 20 सेट यानी 20 रैप्स कंप्लीट होते हैं और आपको करने हैं इसके
चार सेट। तो यहाँ पर हमारी तीनों एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। तो आई होप कि डेफिनेटली आप इनको फॉलो करेंगे और इसका अच्छा रिजल्ट जो भी आप पे आएगा पॉजिटिव ही आने वाला है। बस आपको रेगुलर फॉलो करना है। मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है कि कोई भी अगर आप मेरा वर्कआउट देखते हैं तो उसको रेगुलर फॉलो करें। तो ऐसे कुछ नया देखने के लिए मेरे साथ जुड़े रहें। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर एंड स्टे हेल्दी।